नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल नेचर्स लवर का हिंदी वर्जन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत हार्डी और एक परमानेंट कैक्टस पौधे को लेकर आया हूं, जो कि कॉरीपेंथा एलिफेंट टाइडेंस के नाम से जाना जाता है और इसका कॉमन नेम एलिफेंट्स टूथ कैक्टस या फिर टूथ कोरी कैक्टस के नाम से भी मशहूर है। तो चलिए आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं और इस वीडियो के अंत में मैं अपने बहुत ही खूबसूरत क्यूट से खरगोश के बच्चों का वीडियो भी शेयर करूंगा, तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, देखने में काफ़ी खूबसूरत और हार्डी किस्म का कैक्टस प्लांट है ये, जिसे कि मैं अपने नज़दीकी नर्सरी से 70 रुपये का एक पीस लेके आया था। मीन्स एक पीस या एक बॉल कह लीजिए आप। हालाँकि जो कैक्टस प्रजाति के पौधे होते हैं ये काफ़ी महंगे आते हैं नर्सरीज़ में। हालांकि छोटी बॉल उन्होंने मुझे 70 रुपीज़ के आसपास दी थी, मुझे एग्जैक्ट इसका रेट याद नहीं है। और उसके बाद इसने एक बार लास्ट ईयर बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग भी की और इसमें पिंक कलर के बहुत ही बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप प्लास्टिक का फ्लावर देख रहे हैं। हालाँकि इसके फ्लावर जो होते हैं वो 1 से 2 दिन में मुरझा जाते हैं, लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। जो मेरा इसका मदर प्लांट था वो पिछली बरसात में सरवाइव नहीं कर पाया, क्योंकि आई थिंक उसमें पानी ठहर गया था। बरसात में ओपन में ही रखा हुआ था, तो क्योंकि मेरा घर उस समय कंस्ट्रक्शन फेज़ पे चल रहा था तो उसमें कुछ काम बाकी था, तो उस वजह से उतना मैं ख्याल नहीं रख पाया। तो उस समय काफ़ी पौधे मैंने खोए और जिसमें से इसका भी एक मदर प्लांट था और उस मदर प्लांट का साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका था और उसमें बहुत सारे बेबीज़ भी उसने दिए थे। मीन्स उसमें कोने कोने में बेबीज़ भी लगे हुए थे। तो एक फ्लावर तो उसने फ्लावरिंग की, एक फ्लावर के बाद दूसरा जो फ्लावर खिलने लगा तब मैंने देखा तो वो फ्लावर अजीब सा मुरझाया हुआ था। तो जब मैंने बॉल को टच करके देखा तो नीचे से रेडिश टाइप कुछ समझ में आया, जब मैंने हाथ टच करके देखा तो वो पूरा अंदर धस सा चला गया और रेड कलर का कुछ लिक्विड बाहर आया। तब मुझे मालूम चला कि ये इसका रूट रॉट हो गया बरसात में और काफ़ी दुख हुआ मुझे उसका। लेकिन जो उसके बेबी प्लांट लगे हुए थे साइड में, तो मैंने उन्हें तुरंत निकाल के दूसरे गमले में मतलब प्लेस कर दिया और आज देखिए उसके कितने सारे बेबी प्लांट। हालांकि मैंने एक प्लांट खोया, लेकिन उसकी वजह से मुझे कितने सारे बेबी प्लांट मैंने बना लिए, आप वीडियो में आगे देख भी पाएंगे। मैं सारा कलेक्शन आपको दिखाऊँगा। तो 3 बॉल तो मेरी इसमें है, 1 बॉल मैंने दूसरे वाले में लगा रखा है और 3 से 4 बॉलें ये देखिए इसमें तो 6 बॉलें इसमें लगी हुई हैं। तो यह एक छोटे मीन्स स्मॉल प्रजाति का कैक्टस है और साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड नॉर्दर्न मेक्सिको में पाया जाने वाला एक बहुत ही खूबसूरत और हार्डी किस्म का कैक्टस पौधा है ये, और जो कि गोल शेप का होता है और ये ग्रो करता है अप टू 6 इंचेस और 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इस पौधे की ग्रोइंग कंडीशन की बात करें तो ये बहुत ही ड्राई रॉकी और डेजर्ट रीजन में पाया जाने वाला एक कैक्टस का पौधा होता है, जो कि खुद अपने अंदर पानी स्टोर करके रखता है ताकि जब सूखा पड़े या फिर इसको जब पानी की ज़रूरत पड़े तो ये बिना किसी दिक्कत के आराम से सरवाइव कर सके। और ये गर्म से गर्म टम्परेचर और सूखे से सूखे टम्परेचर को बहुत ही आसानी से झेल लेता है, लेकिन इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड कोल्ड वेदर। इस पौधे के लिए कूल टेम्परेचर और कह लीजिए कोल्ड वेदर या फ्रॉस्ट जमा देने वाली कड़ाके की ठंड पड़ती हो, वहाँ ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में हमें उसे ठंड से बचा के रखना होता है, या फिर आप अगर गमले में इसको लगाते हैं तो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन में आप इसे किसी छांव वाली जगह में या फिर अंदर रखें जहाँ इसको हल्का सा टेम्परेचर इसको नॉर्मल मिल सके। इसकी प्रोपोगेशन की बात की जाए तो आप इसे बहुत ही आसानी से इसके सीड से एज वेल एज़ जब ये पौधा मैच्योर हो जाए तो इस समय समय पर बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है, तो आप उसे निकाल के 1-2 दिनों के लिए सूखने के लिए रख दें और उसके बाद वेल्ड्रेन सॉइल बनाकर उसमें प्लेस कर दें। 10 से 15 दिनों के लिए किसी छांव वाली जगह में प्लेस कर दें, उसके बाद ये अपनी रूट डेवलप कर लेगा और उसको आप फुल सनलाइट में रख दें। और महीने में आप कह लीजिए 40 से 45 दिन में एक बार इसमें DAP कुछ दाने डाल दीजिए, बाकी समय समय पानी देते रहिए। जब भी देखें कि इसकी मिट्टी ड्राई हो गई है तो ये पौधा बहुत ही आसानी से चलता है। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरे खरगोश के बच्चे, जो कि 1 महीने के हो गए हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत और क्यूट लग रहे हैं। ये देखिए मेरी बेटी इधर उनको खिला रही है, और हालांकि अभी उन्हें खुले में छोड़ दिया गया है और सब लोग इधर ही हैं,
क्योंकि यहाँ बिल्ली का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके पहले कई बार हमारे कुछ खरगोश बिल्ली द्वारा मारे गए हैं, तो इसलिए हमें काफ़ी केयर करके रखना पड़ता है इनको। और ये भी काफ़ी खुश रहते हैं क्योंकि इनको नेचुरल एनवायरनमेंट मिल जाता है और फ्रीली घूम सकते हैं ये भी। खरगोश के 3 बच्चे हैं मेरे पास अभी, हालांकि 2 तो मैंने पकड़ लिए थे, एक अपने बिल में घुस गया था, क्योंकि नॉर्मली हम इन्हें हाथ नहीं लगाते हैं तो ये काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, और अगर आप इन्हें घर में रखते हैं, फर्श वाले एरिया में रखते हैं और डेली टच करते हैं तो ये थोड़े सुस्त हो जाते हैं। और अभी तो ये बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट का मज़ा ले रहे हैं, धनिया खा रहे हैं देखिए, और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, आप इन्हें आसानी से पकड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये फ्रीली बचपन से, जब अभी तो हालांकि कुछ ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है, 1 ही महीने की है, लेकिन इनका साइज़ काफ़ी बढ़ गया है और काफ़ी हेल्दी हैं। 3 बच्चे हैं जिसमें से कि 2 प्योर वाइट कलर के हैं और एक वाइट एंड ब्लैक कलर का है, जो कि हूबहू देखने में पांडा सा प्रतीत होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।